सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देख सकते हो कि मैं अभी अपने घर में जो नए वाले घर में बैठा हुआ हूँ, इसका मैंने पार्ट वन भी बना चुका है कि मतलब मैंने नया घर खरीदा है, उसमें अपने घर को मैंने डेकोरेट किया है। तो देख सकते हो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप लोग को पता ही होगा मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ। बिकॉज आज ना मिस्टर बिन की जो कार है वो मतलब म्यूज़ियम वालों ने ले कर चली गए ज़बरदस्ती, और बोला कि अपने म्यूज़ियम में उनकी कार जो है रख देंगे और मिस्टर बिन को वो कार नहीं देंगे। तो मिस्टर बिन ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन किया था, बोला कि यार मेरी कार उन लोगों ने ले लिया है, तो अभी हम लोग को चलना है मिस्टर बिन की कार को वापस लाने। तो अभी मिस्टर बिन से मैंने बोला कि म्यूज़ियम का मुझे एड्रेस भेज देना, मैं जल्दी से जाके तुम्हारी कार लेके आ जाऊँगा चोरी छुप के। तो मिस्टर बिन बस अभी मुझे कॉल करने ही वाले होंगे, तो अभी जल्दी से मिस्टर बिन से बात करते करते भी हम चले जाएँगे पता लेके कहाँ पर है मिस्टर बिन की कार जो है ना। उन लोगों ने किसी म्यूज़ियम में उनकी कार को छुपा के रख दिया, तो अभी हम वहीं जाएँगे बस थोड़ी देर में। ये लो मिस्टर बिन का फ़ोन आ भी गया, चलो अभी रिसीव करते हैं। हाँ हेलो मिस्टर बिन सर, आपको पता चला कि आपकी कार कहाँ पे है? हाँ मुझे पता चल गया, उन्होंने मेरी कार को ग्रैनी के पुराने वाले हवेली पे रख दिया। जाओ जल्दी से लेकर आओ। ठीक है सर, अभी मैं जल्दी से आपकी कार लेकर आता हूँ, जल्दी से मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ, लेकर आता हूँ आपकी कार को जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मिस्टर बिन ने बताया कि उनकी कार को एज ग्रैनी की पुरानी वाली हवेली पर रख दिया, तो चलो जल्दी जल्दी वहाँ पर हम चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी हम अपने कार में बैठ जाते हैं, और कार में बैठने के बाद हम जाएंगे ना अभी ग्रैनी की हवेली पे। मेरे हिसाब से तो ग्रैनी का हवेली जो है ना ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं ना ग्रैनी की हवेली पे 2-3 बार जा चुका हूँ। तो अभी हम ना ग्रैनी की हवेली पे जल्दी जल्दी चलते हैं या ढूंढ लेते हैं, पहले तो मुझे इसी साइड होना चाहिए हिसाब से मेरे हिसाब से। अरे देखो फ्रेंड्स, जो सामने ना वही है ग्रैनी की हवेली। चलो अब जल्दी जल्दी हम वहाँ पर चले जाते हैं। पीछे एक बार देख लूँ यार, रुक के थोड़ा गाड़ी स्लो कर लेता हूँ, पीछे देख लूँ कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि यही वहाँ गया था वही लेके आया। चलो पीछे तो हमारे कोई है नहीं, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं ग्रैनी की हवेली पे। ग्रैनी तो यार मतलब हवेली तो बहुत ठीक ठाक बना के रखी है, और पेड़ पौधे लगाए हैं उसने, क्या बात है। लेकिन यार खतरे का निशान बाहर दिख रहा है, चलो चलेंगे हम, खतरों से डरते नहीं क्योंकि हार के आई मीन डर के आगे जीत है। चलो हम डरते हैं, डर के बाद हम जीत जाएंगे। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पे हम पार्क कर लेते हैं, अपनी गाड़ी को तो हम बाद में लेके चले जाएंगे यहाँ से कभी भी। मिस्टर बिन की कार देखो भाई सामने जो है ना खड़ी है ना ब्लू कलर की, वही है अपनी मिस्टर बिन की कार। तो चलते अपन ना जल्दी से मिस्टर बिन की कार को लेकर आ जाते हैं। यार बाहर पूरा खतरा खतरा दिख रहा है, मुझे तो डर लग रहा है जाने में। अच्छा यहाँ से जाना है, पेड़ों के बीच में से हमारे लिए देख रहे हो रेड कारपेट बिछाया गया है। चलो पहले हम कार देखने के बाहर जाएंगे, सबको धीरे धीरे देखेंगे और फिर कार लेके भाग जाएंगे फ्रेंड्स। तो यही मिस्टर बिन की कार यही वाली है। तो जो सामने जो आपको दिख रही है ना, ये सेंटा क्लॉज की है, सेंटा क्लॉज की भी इन्होंने गाड़ी को जो है यहाँ पर रख लिया है। ये जो है सेंटा क्लॉज की गाड़ी है, और उसके बगल में जो बाइक है वो किसी की भी होगी और साइकिल भी। तो चलो धीरे से बैठ के हम कार को लेके भाग जाते हैं डायरेक्ट। चलो भाई तो हम यहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं, चलो जल्दी से हम कार को यहीं कहीं पे छुपा देंगे, मतलब हमारी कार को कोई देख ना पाए, जल्दी से यहीं कहीं छुपा दो। अरे भाई भाई ये तो बहुत उड़ गया यार, इसीलिए लगता है मिस्टर बिन इसका कार से इतना प्यार करता है। ये कार देखे आप लोगों ने कितना तेज़ी ऊपर उड़ सकती है, और ये उड़ भी गई थी अभी। तो चलो हम अपने जो हमारी वाला जो गोडाउन है उसमें हम जल्दी से जाकर अपनी कार को छुपा देते हैं, इस जो कंटेनर है कंटेनर के अंदर हम अपनी कार को छुपा देंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल जा भाई अंदर। हाँ फ्रेंड्स, देखो ये अंदर चला गया, जल्दी से हम बाहर निकल के इसको ना, यार बाहर से दिख रहा है ना, तो इसको हम बाहर से भी जल्दी जल्दी पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी मिस्टर बिन की कार को जो छुपा दिया है। अब चलते हैं हम अपने घर पे, अपने घर पे हम जाके मिस्टर बिन को कॉल करेंगे कि मिस्टर बिन तुम्हारी कार मैंने यहाँ पे छुपा दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सोचा ना कि घर के बाहर पहले कैमरा लगा देना चाहिए, क्योंकि हम अगर कैमरा लगा देंगे तो मतलब हमारे घर के बाहर कोई भी आएगा तो हमें, ऊपर मैंने टीवी रख दिया है कि अगर कोई भी हमारे घर के बाहर आएगा तो हमें पता चल जाएगा, जैसे कि ग्रैनी अगर किसी पुलिस वुलिस को भेज दी झूठा बहाना बना के कि मेरी कार उसने चोरी कर ली, तो हमें दिख जाएगा, तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त। तो चलो अभी ऊपर जाकर टीवी में देखते हैं कि सब बाहर का दिख रहा है कि नहीं। चलो चलो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि घर के बाहर का पूरा व्यू दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं। अभी हम जल्दी से मिस्टर बिन को जाकर वापस से अभी हम कॉल कर लेते हैं कि मिस्टर बिन तुम्हारी कार मैंने ला दी है। चलो पहले हम अपने कुर्सी के पास जाके बैठ जाते हैं। किधर गई यार मेरी कुर्सी? हाँ इधर पे है। चलो अभी मिस्टर बिन को कॉल लगाता हूँ। मिस्टर बिन क्या पता कॉल क्यों उठा रहे हैं। ये देखो मिस्टर बिन ने कॉल उठा ली। हेलो हेलो सर, हाँ हाँ मैंने आपकी कार को जो है ना अपने वेयर हाउस के अंदर जो एक कंटेनर है उसके अंदर छुपा के रख दिया है, तो आप वहाँ पे आके अपनी कार को लेके जा सकते हो जल्दी। थैंक्स चिकन गन, थैंक्स, बाय बाय, टाटा, सी यू।
तो फ्रेंड्स मिस्टर बीन सर का काम तो हो चुका है, हम चलते रहे। अरे यार ये क्या, यहाँ पे तो घर के बाहर अपने जो है पुलिस की गाड़ी दिख रही है और हेलीकॉप्टर भी है, लगता है वो कुछ जांच पड़ताल करने के लिए आए होंगे। देखो भाई इस खिड़की में से भी हमें दिख रही है वो गाड़ियाँ। तो चलो हम तो अपने घर में अब आराम करेंगे, तब तक के लिए मैं घर के बाहर दीवार जो है लगा दिया हूँ, और तब तक के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।